से कुमार के बेटे आरव का रविवार को 17th बर्थडे था। बाकी स्टार किड्स से अलग आरव को पेपराजी के कैमरों से दूर रहना पसंद है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं। अगर यूं कहें कि आरव बिल्कुल अक्षय जैसे हैं, तो गलत नहीं होगा। आरव के लुक से लेकर उनकी आदतें सभी उनके पिता अक्षय कुमार से मैच करती हैं। ऐसे में बेटे के बर्थडे पर अक्षय भी खुद को इमोशनल मैसेज करने से रोक नहीं पाए। अक्षय ने आरव की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपने पिता से एक ही चीज सीखी थी, अगर मैं किसी भी जगह पर फंस जाऊं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के पास जाऊंगा। अगर मेरी गलती भी होगी तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि पापा मुझे मारेंगे। जब मैं तुम्हें भी ठीक ऐसा ही करता देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हैप्पी बर्थडे आरव। आरव और अक्षय का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं आरव अपनी मॉम ट्विंकल के भी बहुत करीब है। कुछ समय पहले ट्विंकल ने खाने की कुछ फोटोज शेयर की थी, जिन्हें आरव ने खुद तैयार किया था। आरव को भी अक्षय की तरह कुकिंग का बहुत शौक है और वो फ्री टाइम में कुकिंग करना पसंद करते हैं। आरव की बनाई इन डिशेस को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता। जब माँ बेटे का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो ट्विंकल अपने ही अंदाज में आरव को विश करना कैसे भूल सकती है। ट्विंकल ने लिखा, हैप्पी बर्थडे, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश एंड ब्लड ऑफ माई ब्लड। मुझे पता है कि जब भी मैं ऐसी बातें बोलती हूँ आप मुझे रोक देते हो और कहते हो कि माँ ये अजीब बातें कहना बंद करो, लेकिन ये सच है, आपके पास मेरी कोशिकाएं हैं और मेरे पास आपकी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने बच्चों को लेकर कुछ बातें भी शेयर की थी। अक्षय ने कहा था, मेरी 6 साल की बेटी ने एक दिन हमारे फैमिली डिनर पर आने से मना कर दिया और इसकी वजह थी पेपराजी। अक्षय ने कहा, ये बात मेरे दिल को चुभ गई। मेरी बेटी को कैमरे की फ्लैशलाइट पसंद नहीं है, इस वजह से उसने डिनर पर आने से मना कर दिया। अक्षय ने आगे कहा था, बेटी ही नहीं बेटे आरव ने भी डिनर पर आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आया था और वो नहीं चाहता था कि ऐसे में वो हमारे साथ आए और उसकी फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर करके बोला जाए कि वो थका हुआ लग रहा है। अक्षय ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्स होने के बाद पेपराजी अटेंशन मिलना आम बात है, हम इस बात के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बच्चों को उनकी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनका लगातार पीछा करते हुए तस्वीर ली जानी चाहिए। उनकी शारीरिक सुरक्षा के साथ मानसिक सुरक्षा भी जरूरी है। वैसे ये कहानी सिर्फ अक्षय कुमार की नहीं है, ज्यादातर बॉलीवुड सेलेब्स इस बात से परेशान रहते हैं कि पेपराजी हर टाइम उनके बच्चों की फोटोज क्लिक करते रहते हैं। वैसे कुछ सेलेब्स के बच्चों को अब इसकी आदत भी लग चुकी है। करीना कपूर के लाडले तैमूर तो अक्सर पेपराजी को देखकर अलग अलग फेसबुक बनाने लगते हैं। वहीं एक्टर अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो खिलाड़ी अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं अब अक्षय पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक फिल्म में बिजी हो गए हैं। अक्षय की इस साल गुड न्यूज और हाउसफुल 4 रिलीज होनी है। वहीं अगले साल बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब, सूर्यवंशी और पृथ्वीराज चौहान रिलीज होनी है। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।